मैं भी देना। देख ही रहे हैं पिछले साल भर से कि कठुआ कैंपस की ये कोशिश रही है कि सिर्फ अपने आप को महदूद न रखे कैंपस की चार दीवारी में और बच्चों को पढ़ने और उनके एग्जाम लेने में, बल्कि सिविल सोसाइटी तक, कठुआ के लोगों तक, जनता तक पहुंचे और लोगों के लिए कुछ करें, आसपास के गांवों के लिए कुछ करें। हम ऑलरेडी एक गांव भी अडॉप्ट कर चुके हैं और जो आज का प्रोग्राम है ये तो पहली बार यहाँ हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इस ये अखिल जी हैं जो ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक का ये काम कर रहे हैं, वो हमारे डॉक्टर सौरभ शास्त्री जी जो आजकल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं UIT के, उनके स्टूडेंट भी रहे। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने पुराने स्टूडेंट जिनको एलुमनाई कहते हैं उन तक भी पहुंचते हैं और सोसाइटी तक पहुंचते हैं। और इससे बढ़कर क्या है, जीवनदान ही है, रक्तदान जीवनदान से कम नहीं है, ही जीवनदान है। तो यही भावना हम चाहते हैं कि हमारे यूथ में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, हमारे टीचर्स भी बहुत यंग हैं, यंग टीचर्स में, और कठुआ की पूरी जनता में जाए कि हम लोगों के लिए कुछ करें और अपने रक्त से ऊपर क्या बलिदान दे सकते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। कुल कितने, ये मैं आपको सही से बता नहीं पाऊंगी, ये सौरभ जी आपको बताएंगे कि हमारा टारगेट क्या है और हम कितना इसमें सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं, सिविल सोसाइटी से बाहर से भी लोग आए हैं, आप लोगों ने देखा ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। गर्ल्स पार्टिसिपेशन भी आपने देखा, हमारी लड़कियां, हमारी फीमेल टीचर्स कोई पीछे नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी पीछे हूँ हेल्थ रीजन से, मेरी उम्र 60 साल है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। स्टूडेंट्स में कितने, स्टूडेंट्स तो बहुत ही खुश थे, मतलब उनको लगा कि डॉक्टर सौरभ शास्त्री ने जब ये आइडिया मूव किया कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी कभी हुई नहीं थी कैंपस में, तो ये पहली बार हमने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाया है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हमने लगाया है, तो जैसे रेक्टर मैम ने बताया कि मिस्टर अखिल शर्मा हैं जिनकी एक NGO है, उनके साथ हम कोलैबोरेशन में ये पहली बार रेक्टर मैडम की देखरेख में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हमने यहाँ पे UIT में किया है।
मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 1-1.5 साल से कठुआ कैंपस जो है वो बड़ी सारे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ले चुका है। हमने अभी पिछले दिनों एक मेड इन ओपन टूर्नामेंट भी करवाई और अभी आज जो है ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है ये भी हमारा UIT में फर्स्ट टाइम जो है वो हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे आपने टारगेट की बात करी तो हमारा टारगेट जो है वो 100 यूनिट्स का है कि 100 लोग इसमें UIT के स्टूडेंट्स और हमारे जो MCA, MBA और इंग्लिश डिपार्टमेंट्स हैं उसके स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और इवन कि बाहर से लोग भी यहाँ आ रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम बड़े खुश नसीब हैं, कठुआ कैंपस इस टाइम बहुत खुश नसीब है कि हमें एक ऐसा हेड ऑफ़ दी फैमिली मिला है जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करता है। हम इतने इंस्पायर्ड हैं, हमारे में इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी जो हमें है ये डॉक्टर मीनाक्षी चिलम जो रेक्टर कठुआ कैंपस हैं उनकी वजह से। बच्चे भी उत्साहित हैं, टीचर्स भी उत्साहित हैं और हम आगे भी इनकी देख रेख में UIT को, कठुआ कैंपस को आगे लेके जाएंगे। जैसे मैडम ने एक बात कही एडमिशन्स की, तो इस टाइम एडमिशन प्रोसेस जो है वो UIT में ओपन हो चुका है। BTech सिविल और BTech कंप्यूटर साइंस, ये हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, दोनों में 60 का इंटेक है। तो मैं आपके माध्यम से कठुआ वासियों को और जितने भी लोग आपके चैनल के थ्रू इसको सुनेंगे, मैं उनको ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो एक बार UIT कठुआ कैंपस विजिट करें और देखें हम UIT को कितनी आगे लेके जाएंगे और हमारे जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ और भी हम उनको को करिकुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेट करेंगे।